गाडरवारा के पास ग्राम कोड़िया मारुति वाचनालय छात्र छात्राओं के लिए एवं अन्य लोगों के लिए बनाया गया। नर्मदापुरम सांसद राव उदय प्रताप सिंह के द्वारा मारुति वाचनालय का उद्घाटन किया गया। सांसद राव उदय प्रताप सिंह के साथ सैकड़ों की संख्या में मारुति वाचनालय देखा गया। उद्घाटन समारोह के बाद गांधी भवन में एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम सांसद राव उदय प्रताप सिंह के द्वारा माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की गई एवं मंच पर संबंधित अतिथियों का स्वागत किया गया। सांसद राव उदय प्रताप सिंह, जिला महामंत्री हरि प्रताप सिंह, राव शैलेश सिंह एवं गणमान्य नागरिक मंच पर उपस्थित थे। सभी लोगों का फूलमालाओं से स्वागत किया गया। सैकड़ों की संख्या में राव सांसद उदय प्रताप सिंह को सुनने के लिए नागरिक एवं ग्रामवासी गांधी भवन में उपस्थित रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा में शामिल हुए एवं भाजपा में जो नए लोग शामिल हुए हैं उनका सम्मान किया गया। नर्मदापुरम सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने कहा, हर प्रकार की सुविधा इस लाइब्रेरी में दी जाएगी। निश्चित रूप से यह समय डिजिटल युग का है। बुजुर्गों के लिए मारुति वाचनालय में सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी एवं वाचनालय में सभी प्रकार की सुविधा है। कंप्यूटर, LED, TV एवं अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जिससे बच्चे इस युग में सभी प्रकार का ज्ञान ले सके। आज ग्राम कोड़िया में मारुति वाचनालय का उद्घाटन किया गया। डिजिटल युग में डिजिटल वाचनालय कब तक बनेगा? ये डिजिटल युग है, ये तो सही बात है। और दोनों तरह की चीज़ें हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, वयस्क हैं, जो कंप्यूटर और उसमें जिनका दखल कम है उनके लिए इस तरह के वाचनालय, और जो हैं बच्चे हैं जो कंप्यूटर फ्रेंडली हैं उनके लिए ई वाचनालय, ई लाइब्रेरी। तो इसको हम लोगों ने दोनों तरह के कॉन्सेप्ट में इसको आगे बढ़ाएंगे। आज तो स्थानीय जनों के सहयोग, नौजवान बच्चों के परिश्रम से एक वाचनालय चालू हुआ है। इसको चेक करना और व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, उसको हम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। एक डिजिटल एक रूम हायर सेकेंडरी में तैयार करा रहे हैं, जिसमें बच्चे जो तकनीकी शिक्षा जो मिलना है आज के समय में, ऑनलाइन एजुकेशन है, गूगल से है, मतलब पूरा कहना चाहिए कि जो आज मॉडर्न वर्ल्ड का जो शिक्षा की पद्धति है उससे पढ़ाई कर सकें, उसके लिए एक यहाँ पर डिजिटल रूम की एक कक्ष की व्यवस्था भी हमारे सेकेंडरी में कराएंगे। और साथ ही डोभी में, आमगांव में और धमना में तीन और सेंटर इस तरह से हमारे सेकेंडरी स्कूल में डेवलप करने वाले हैं। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।